अगर वाकई आपने अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव किया है तो क्या आप बता सकते हैं कि इन दोनों सेंटेंसेस का सही ट्रांसलेशन क्या होगा? यानी अगर लिखा हो मैंने भी कपड़े धुले या मैंने कपड़े भी धुले, तो क्या आप बता सकते हैं इन दोनों का सही ट्रांसलेशन क्या होगा? या मान लीजिए अगर लिखा हो मैंने भी केक खाया या मैंने केक भी खाया, तो क्या आप बता सकते हैं कि इन दोनों का सही ट्रांसलेशन क्या होगा? अगर लिखा हो मैंने भी इंग्लिश सीखा और मैंने इंग्लिश भी सीखा, तो क्या आप बता सकते हैं इन तीनों सेंटेंसेस का सही ट्रांसलेशन क्या होगा? चलिए मैं आपको देता हूँ 5 सेकेंड और आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर टाइप करें, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपने सही आंसर दिया या गलत। यहाँ आपका टाइम शुरू होता है। यहाँ आपका टाइम खत्म हुआ। आइए अब इस कंसेप्ट को बारीकी से समझें। अगर लिखा हो मैंने भी केक खाया, तो इस सेंटेंस का सेंस है कि दूसरे लोगों के जैसे मैंने भी इस काम को किया, यानी दूसरे लोग केक खाए और मैंने भी केक खाया। तो इस तरह के सेंटेंसेस जहाँ आप कहते हैं किसी काम को दूसरे लोगों ने किया और आपने भी किया, को बोलने के लिए आप आल्सो या टू का इस्तेमाल करके अपने सेंटेंसेस को बोलेंगे। यानी अगर आपको कहना हो कि मैंने भी केक खाया, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई ऑल्सो एट केक। आप ये भी कह सकते हैं आई एट केक टू, यानी मैंने भी केक खाया। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि इस सेंटेंस को आप ऑल्सो और टू दोनों के मदद से बोल सकते हैं। अगर आप टू का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप सेंटेंस के लास्ट में करेंगे, और अगर आप ऑल्सो का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप मेन वर्ब के पहले करेंगे, जैसा कि मैंने यहाँ पर किया हुआ है। यहाँ मैं आपको रिमाइंड करा दूं कि इस सेंटेंस का सेंस है आई एट केक लाइक अदर्स, यानी दूसरे लोगों के जैसा ही मैंने भी केक खाया। आइए अब दूसरे सेंटेंस पे गौर करें, जहाँ लिखा है मैंने केक भी खाया। इस सेंटेंस का सेंस है कि मैंने और भी बहुत कुछ खाया जिसमें केक भी था। इस सेंटेंस का ये बिल्कुल सेंस नहीं कि दूसरे लोगों ने केक खाया और मैंने भी, बल्कि इसका ये सेंस है कि मैंने बहुत कुछ खाया जिसमें केक भी शामिल था। तो फ्रेंड्स, इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई टू एट केक, यानी मैंने भी केक खाया। अब यहाँ आपको बता दूं कि इस तरह के सेंटेंसेस जिसके सेंस होते हैं कि मैंने और भी काम किया जिसमें यह काम भी शामिल था, को बोलने के लिए सबसे पहले आप लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद आप देंगे कॉमा, फिर आप लिखेंगे टू, उसके बाद देंगे कॉमा, उसके बाद आप लिखेंगे वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, जैसा कि मैंने यहाँ पर किया हुआ है जिसे आप देख सकते हैं। यहाँ ये बात याद रहे कि सब्जेक्ट के बाद कॉमा और टू के बाद कॉमा देना लाजमी है। आइए कुछ और एग्जांपल्स देखें ताकि आप इस बात को आसानी से समझ सकें। अगर लिखा हो मैंने भी कलमे खरीदा, यानी दूसरे लोग कलमे खरीदे जिसमें मैं भी शामिल था, मैंने भी इस काम को किया, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई ऑल्सो बॉट पेन्स। आप ये भी कह सकते हैं आई बॉट पेन टू, यानी मैंने भी कलमे खरीदा। यहाँ मैं आपको बता दूं इस सेंटेंस का सेंस है आई बॉट पेन लाइक अदर्स, यानी दूसरों लोगों के जैसा मैं भी इस काम में शामिल था या मैंने भी इस काम को किया। लेकिन मान लीजिए अगर आपका सेंटेंस ये हो मैंने कलमे भी खरीदा, तो इस सेंटेंस का सेंस है कि मैंने और भी बहुत कुछ खरीदा जिसमें कलमे भी शामिल था, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई टू बॉट पेन्स, यानी मैंने कलमे भी खरीदा। यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ मैंने सब्जेक्ट के बाद दिया है कॉमा, फिर टू के बाद दिया है कॉमा, उसके बाद मैंने लिखा है मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अगर आपको कहना हो मैंने भी इंग्लिश सीखा, यानी दूसरे लोगों के जैसा मैंने भी इस काम को किया, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई ऑल्सो लर्नड इंग्लिश। आप ये भी कह सकते हैं आई लर्नड इंग्लिश टू, यानी इस सेंटेंस को आप ऑल्सो और टू दोनों के मदद से ट्रांसलेट कर सकते हैं। और यहाँ आपको एक बार और बता दूं कि इस सेंटेंस का सेंस है आई लर्नड इंग्लिश लाइक अदर्स। लेकिन मान लीजिए अगर आपका सेंटेंस ये हो मैंने इंग्लिश भी सीखा, यानी मैंने बहुत कुछ सीखा जैसे मैंने साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री
और भी सब्जेक्ट सीखे जहाँ मैंने इंग्लिश भी सीखा। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई टू लर्न इंग्लिश, यानी मैंने इंग्लिश भी सीखा। यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने इस सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद दिया है कॉमा, फिर टू के बाद दिया है कॉमा, फिर मैंने लिखा है वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एक बार फिर मैं आपसे कहूंगा कि आप यहां देख सकते हैं मैंने सब्जेक्ट के बाद दिया है कॉमा, मैंने टू के बाद दिया है कॉमा, उसके बाद मैंने लिखा है वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक आपको शानदार तरीके से समझ में आया कि इस तरह के सेंटेंसेस को कैसे बोले जहां हम कहते हैं मैंने भी सेब खाया या मैंने सेब भी खाया, मैंने भी एक मोबाइल खरीदा या मैंने एक मोबाइल भी खरीदा, मैं भी मुंबई गया या मैं मुंबई भी गया। ये सभी सेंटेंसेस आपस में अलग अलग हैं, यानी इन दोनों का अलग अलग सेंस है।